हाय यू ऑल गुड इवनिंग दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबका डे इलेवन ऑफ अभ्यास बैच में सो so, आज अभ्यास बैच में हम बात करेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का ठीक है सबसे पहले कैसे हो सब लोग विकांक्षा गुड इवनिंग शेखु गुड इवनिंग अभिषेक चाक और भी कुछ बच्चे हैं सृष्टि सत्यम प्रियंका तन्विका लक्षिता चक्रधर ऑल राइट राहुल आदित्य ओमकार दीप गुड इवनिंग बच्चों र, रिचा, सर आई हैव अ डाउट आई जस्ट कंप्लीटेड माय एएस बैच क्या मुझे अभ्यास बैच करने की जरूरत है या फिर क्लास में जितना क्वेश्चन किया है वही प्रैक्टिस करूं मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अभी सही है तो आपको अभ्यास बैच नहीं भी करोगे तो चलेगा ठीक है जिन जिन टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा बहुत हिला हुआ है तो वो वाले टॉपिक आप अभ्यास बैच में सिलेक्टेड बेसिस पे कर सकते हो चलिए स्वयं अग्रवाल स्वाति ओमकार हाँ जी हाँ जी पहचाना चलिए अभिषेक सर डेमो लेक्चर चल रहा है क्या आपके मतलब डेमो लेक्चर चल रहा है मतलब चलो शुरू करते हैं अभ्यास बैच अभ्यास बैच का डे इलेवन सिक्योरिटीज चलिए छोटा सा एक क्विक रिविजन कर लें क्या? बाय में मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था ये वीडियो शेयर किया था आई होप आप ये वीडियो देख के आए हो बता दो तो जल्दी जल्दी कौन कौन बच्चे देख के आए तब तक हम कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बेटा जब आप बाईबैक करते हो तो बाईबैक के अंदर आपको यह सिखाया जाता है कि जो बायबैक है वो अलाउड है इक्विटी शेयर्स का टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट अब उसमें कुछ लिमिट्स बताई गई हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ये एक लिमिट है दूसरा बताया गया है कि जो अमाउंट ऑफ बायबैक होना चाहिए वो दैट शुड नॉट एक्सीड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ये अमाउंट फॉर्म में फिर उसके बाद बोला गया कि डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक शुड नॉट एक्सीड टू इस टू वन टू इस टू वन से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए ठीक है सो डेट इक्विटी रेशियो अप टू टू इज वन अपू टू इज टू वन होना चाहिए आफ्टर द बाई बैक कुछ ऐसी कंडीशन वगैरह बताई गई है जिसको हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे अब हम <coughs> बात करें कि जब एंटिटी बाय बैक करती है तो एंट्री क्या करते हैं एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट फिर हम कर देते हैं इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट ये इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट एक तरीके से लाइबिलिटी होती है होती है कि नहीं होती है इक्विटी शेयर कैपिटल एक तरीके से लाइबिलिटी होती है ठीक है इक्विटी कैपिटल प्रीमियम ऑन बाय बैक और इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर ऑन टू इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट फिर कभी कभार आपका क्वेश्चन आपको कहता है कि ना बायबैक के साथ साथ हम रिडम्शन भी करेंगे रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी करेंगे Redemption of भी करेंगे अब वो परसेंट प्रेफरेंस को भी रिडीम कर सकता है वो 50% premium, uh, debentures को भी redeem कर सकता है, वो जैसा भी बोले सो प्रेफरेंसर होल्डर्स को वो 100 redemption, 50 redemption वो 100% 50% जैसा भी बोले। तो यहां पर हम क्या करते हैं हम करते हैं प्रेफरेंशियर कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर यहां पर भी कोई प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडमशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट आप यहां पर उसको कर देते हो रिडम्शन की एक ड्यू की एंट्री पास कर देते हो ये भी एक तरीके से आपकी एक लाइबिलिटी होती है आपकी एक लाइबिलिटी होती है ठीक है फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि ना बायबैक करने के लिए रिडीम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं बायबैक करने के लिए रिडीम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं जब भी वो बोले कि हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं तो तुम समझ जाना कि यू आ, इट मीन्स इट मीन्स एंटिटी इज यूजिंग फ्री रिजर्व एंटिटी फ्री रिजर्व को यूज कर रही है एंटिटी फ्री रिजर्व को यूज कर रही है आ रही क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या मेरी बात समझ में अगर आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो समझ जाना कि एंटिटी फ्री रिजर्व को यूज कर रही है के लिए एंटिटी सेल uh, uh, क्या बोलते हैं नया सिक्योरिटी इशू नहीं कर रही तो जब सेल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और इस एंट्री में जो भी डिफरेंस होगा वो पी एंडल में चला जाएगा ऐसा होता है बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है फिर आपको जब सीआरआर बनाना पड़ता है जब आप सीआरआर बनाते हो तो सीआरआर हो सबसे पहले आप जनरल रिजर्व यूज करोगे ठीक है ना फर्स्ट प्रायोरिटी में फिर फिर उसके बाद आप पी एंडल भी यूज कर सकते हो फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कोई एस सच प्रायोरिटी डिफाइन नहीं है वैसे तो कोई प्रायोरिटी डिफाइन नहीं है आप कहीं से भी बना सकते हो कभी ऐसा होता है ठीक है तो यहां हो जाता है टू सी आर आर या फिर कभी यह हो सकता है कि भाई सिक्योरिटी पहले फिर जनरल रिजर्व फिर पी बात समझ में आई कि नहीं जैसे मैंने अपनी किताब में क्या बना के रखा है मैं आपको दिखा देता हूं मैंने अपनी अपनी किताब में यहां पर क्या करके रखा है मैंने सबको बच्चों को अपने रेगुलर कोर्स हो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हो मैंने सबको बता के रखा है कि भाई आप यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को फर्स्ट प्रायोरिटी में यूज करिए अगर कुछ ना बोला गया है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को फर्स्ट प्रायोरिटी में यूज कर सकते हो फिर आप रेवेन्यू रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व और पीएनडल को कर सकते हो रेवेन्यू रिजर्व लिखा है रेवोल्यूशन रिजर्व नहीं लिखा है ठीक है सो so यहां पर आप इस तरीके से चल सकते हो तो ये कोई भी तरीका हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं कुछ भी ना हो बोला जाए तो आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करोगे ठीक है ऑल राइट गाइस टू सी आर आर फिर उसके बाद आ, आ, बा, उसके बाद हां एक चीज और थी मैं बोलूंगा यहां पर यहां पर फिर वो बोलेगा कि पेमेंट करना है बायबैक का पेमेंट ऑफ बायबैक पेमेंट ऑफ बायबैक या रिडम्शन फिर आप पेमेंट कर देते हो रिडम्शन का या बायबैक का तो एंट्री करते हो इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक टू बैंक आप ये पेमेंट कर देते हो ठीक है इस तरीके से होता है फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा कि बाय बैक करने के बाद बोनस देना है बोनस इशू आफ्टर बाय बैक बोनस इशू आफ्टर बाय बैक।, बैक आफ्टर बाय बैक बाय बैक के बाद बोनस इशू करना है

फेस वैल्यू ऑलवेज ये आप बोनस इशू कर देते हो ठीक है यही सिखाया आपने बोलो बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो इस तरीके से तुम बोनस की एंट्री कर लेते हो इस तरीके से तुम बोनस की एंट्री कर लेते हो फिर और क्या बोलता है मेजर तौर पर यही वाली बातें करता है अच्छा हमने और क्या पढ़ा था बायबैक के अंदर बायबैक के अंदर हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ बायबैक बायबैक के अंदर पड़ा था सोर्स ऑफ बायबैक तो बायबैक होता है आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व और या फिर होता है आउट ऑफ आउट ऑफ फ्रेश इशू प्रोसीड्स ठीक है ना तो इवन अगर आप सेल ऑफ असेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी माना जाएगा कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का यूज किया है ऐसे केस में यहां पर आपको सीआरआर टू बी मेंटेन्ड आपको सीआरआर बनाना पड़ता है सीआरआर टू बी मेंटेन्ड सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है कितने के बराबर का इक्वल टू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर का आपको सीआरआर बनाना पड़ता है फेस वैल्यू के बराबर का सीआरआर आपको बनाना पड़ता है ठीक है फिर बाकी का होता है फ्रेश इशू फॉर बैलेंस ऐसा कुछ करके बनाना पड़ता है ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोलो जी समझ में मेरी बात आई कि नहीं सभी बच्चे तो ये हो गया आपका इस तरीके से ठीक है सोर्स ऑफ बायबैक हो गया समझ आई मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं अब हम इसमें ना अब इसमें हम बहुत सारी बातें अभी और देखेंगे कि मैक्सिमम बाय बैक करने के जो कंडीशन होती हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रिसोर्स टेस्ट डेट इक्विटी टेस्ट इन पे भी अपन बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे ठीक है तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपका बायबैक का पूरा ओवरऑल प्लान चलता है अच्छा कभी कभार ना वो आपको बोलेगा कभी कभार आपको बोलेगा ना ईसॉप ईसॉप कुछ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है इशूड ई इशू हो रहे हैं तो आपको उसकी एंट्री करनी है ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट मतलब ई जो आउटस्टैंडिंग है डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये वाली एंट्री में आपको एक क्वेश्चन में समझा दूंगा एक क्वेश्चन हमारे पास है हम उसके कर, उसके थ्रू करवा लेंगे बोलो मेरी बच्चों समझ में आई मेरी बात की नहीं तो इस तरीके से हम बायबैक का ओवरऑल व्यू देख पाते हैं ठीक है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जब करवाऊंगा तो चीजें और बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगी चलिए अपन मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट ओपन करते हैं बेटा मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट में आपको बता दू ये जो पार्ट वन वाला मस्ट डू क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा बाय बैक ये देखिए ये जो पार्ट वन वाला है जिसमें सिक्सटी क्वेश्चन है इसमें आपको बाय बैक मिलेगा पेज नंबर फोर्टी एट पे तो आज अपन कर रहे हैं बाय बैक पेज नंबर फोर्टी एट तो आइए आइए जी करें मुक्ति लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मुक्ति लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री कैश एंड बैंक यहां तक असेट साइड खत्म हो गया शेयर कैपिटल वन लाइक इक्विटी शेयर ऑफ टेनिज सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व अच्छा आप कौन कौन से रिजर्व यूज नहीं कर सकते हो कैपिटल रिजर्व ठीक है कैपिटल रिजर्व सी और क्या कैपिटल रिजर्व के अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व ठीक है ना डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये यूज नहीं कर सकते हो कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट सी आर आर ये आप नहीं कर सकते हो सर आपने वेट लॉस किया है फिट लग रहे हो भाई देख आयुष ऐसा है कि मुझे तो नहीं पता मेरा बल्कि वेट लॉस नहीं हुआ है वेट बढ़ा है बट मैं उसको बहुत खुशी से कॉम्प्लीमेंट मानते हुए एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरे को बड़ी खुशी हो रही तुम्हारे को ऐसा बोल रहा है मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने ऐसा बोला है मेरे इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो किसी ने देखा नहीं है इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है चलो ठीक है यहीं तक सीमित है चलो एनी वेज सो कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट सी आर आर ये वाली चीजें यूज नहीं हो सकती ठीक है चलो आगे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है टेन परसेंट डिवेंचर अच्छा और क्या और क्या यूज नहीं हो सकता इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आप डिबेंचर बेच रहे हो अगर आप डिबेंचर बेच रहे हो तो डिबेंचर इज नॉट अ सेल प्रोसीड्स तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं इश्यू uh, ऑफ डिबेंचर और एनी लोन इज नॉट अलाउड इज नॉट अलाउड आप अगर कोई डिबेंचर इशू कर रहे हो कोई लोन दे रहे हो तो यह आपको फ्रेश इशू में नहीं माना जाएगा फ्रेश इशू में काउंट नहीं किया जाता है ठीक है ना हमें देखना है इश्यू ऑफ डिवेंचर और एनी लोन इज नॉट अलाउड ठीक है चलो दिखाओ नजर क्या यार नलायको चलो सो so, डिबेंचर्स हो गया हालांकि डिबेंचर इसने अभी ऐसा कोई इशू नहीं किया है वो तो पहले से इशूड है अनसिक्योर्ड लोन ट्रेड पेबल ट्वेंटी फर्स्ट अप्रिल कंपनी अनाउंस बाय ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ऑफ इट्स इक्विटी एट फिफ्टीन पर शेयर अब देखिए टेन पर शेयर है तो फाइव रुपीज प्रीमियम हो गया फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टू पॉइंट फाइव फाइव लैख रुपीज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अप्रिल द कंपनी अचीवड द टारगेट ऑफ बाय बैक ऑन फर्स्ट मे द कंपनी इशूड वन फुल्ली पेड अपेयर ऑफ टेन इच बाय वे ऑफ बोनस अब मुझे बताओ पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रेश इशू की बात की गई है नहीं पर, सर कभी कभार ना क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है प्रेफरेश मंथ्स बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक लिखा होता है कि नहीं मुझे जल्दी कन्फर्म करो मुझे जल्दी कंफर्म करो कभी कभार होता है कि नहीं जल्दी मुझे बताओ कि शेयर कैपिटल के साथ साथ होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड मंथ्स बैक बिफोर द द फॉर ऑफ तो अगर ऐसा होता है तो उसको फ्रेश इशू इशू मानते हैं उसको फ्रेश मानते हैं पर यहां पर ऐसा कुछ है क्या नहीं क्या क्वेश्चन में कुछ फ्रेश इशू है क्या नहीं नो फ्रेश इशू नो फ्रेश इशू इन क्वेश्चन तो क्वेश्चन में फ्रेश इशू नहीं है इसका मतलब क्या है फुल्ली यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व फुली यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व फुल्ली यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आपने पूरा उसको यूटिलाइज किया है तो अभी अभिपन इसको कैसे करेंगे तो आइए क्वेश्चन नंबर क्या है थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स सबसे पहले एक वर्किंग फॉर बायबैक बैक वर्किंग फॉर बाय ये बायबैक की आपको वर्किंग करनी है बायबैक की वर्किंग कैसे होगी सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बैक। कितने फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है ना बायबैक प्राइस बायबैक प्राइस कितना फिफ्टीन रुपीज अर फोर बाय बैक अमाउंट कितना हो गया फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन ये हो गया टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड इंटू फिफ्टीन मुझे हेल्प करो रे सर वाइल एडजस्टिंग प्रीमियम मनी विल देर बी एनी प्रायोरिटी नहीं बेटा कोई प्रायोरिटी नहीं है बट कोशिश करके पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है पहले प्रायोरिटी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम पर रखना है चलिए इसके आप करोगे दो हिस्से इसके आप करोगे दो हिस्से क्या क्या ये हो जाएगा फेस वैल्यू और ये हो जाएगा प्रीमियम सर ये दो हिस्से क्यों कर रहे हैं बिकॉज सी हमें फेस वैल्यू के बराबर का बनाना है प्रीमियम के बराबर करनी इसीलिए उससे आसान हो जाता है ठीक है तो यहां हो जाएगा वन और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 75, ठीक है 150 और 75। अब हम प्रीमियम को तो एडजस्ट कर लेंगे ठीक है इसमें ना आपको दो हिस्से बनाना पड़ता है आपको पहले देखना पड़ता है फर्स्ट यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको देखना पड़ता है आउट ऑफ फ्रेश इशू आउट ऑफ फ्रेश इशू तो फ्रेश इशू है क्या द आंसर इज नील फ्रेश इशू नहीं है ठीक है ना एंड रिमेनिंग आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कितना 150 सर पर टोटल अमाउंट तो 250 फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव था बेटा वो तो प्रीमियम शामिल था ना हाँ सर पर सर इन्वेस्टमेंट तो हमने ज्यादा में बेचा है तो क्या हुआ अच्छी बात है पैसे ज्यादा आ गए उससे कोई दिक्कत थोड़ी है तू बायक कर रहा है टू का उसके लिए तू टू की एसेट बेच रहा है तो प्रॉब्लम कहा है इवन अगर वो इसके बदले में देखो बहुत छोटी चीजें बट बच्चे उलझते हैं अगर इसकी जगह पे 150 लिखा होता इसकी जगह पे नाइनटी थाउजेंड लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अरे सर कैसे फर्क नहीं पड़ता हमें तो टू ट्वेंटी अरे मेरे भाई यहां पर कैश एंड बैंक बैलेंस है ना वो तेरे को सफिश कैश एंड बैंक बैलेंस देगा हाँ ऐसा नहीं कर सकता वो कि उसने बोला कि मैं नाइनटी थाउजेंड में बेच रहा हूं और यहां फोर्टी रखा है तो नाइनटी और फोर्टी वन थर्टी होता है मुझे तो टू ट्वेंटी फाइव दे रहा है ये गड़बड़ हो जाएगा अगर वो यहां पर इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है ठीक है लिमिटेड बेच रहा है तो सफिशियंट कैश होगा ठीक है और अगर कैश सफिशियंट नहीं है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे बेच रहा होगा या तो वो फ्रेश इशू करेगा वो सारी बातें सो मोरल ऑफ द स्टोरी इट बातेंट मैटर कि वो इन्वेस्टमेंट कितने में बेच रहा है कितने के बेच रहा है इन्वेस्टमेंट बेच रहा है ना मतलब वो फ्री रिजर्व यूज कर रहा है ठीक है विशाल मैं एकदम बढ़िया हूं आप बताओ आप कैसे हो चलो तो हम क्या करेंगे हम बनेंगे हम कराएंगे क्रिएट अब आप यही लिख लो पहले कि प्रीमियम को तो सिक्योरिटी रखा, रखा है तो आप यहां पर बोलोगे राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ठीक है आप अगर सिक्योरिटी प्रीमियम थ्री लाख रखा है तो थ्री लाख में से सेवेंटी फाइव आपने राइट ऑफ कर लिया कितना बचा टू ट्वेंटी फाइव आराम से आप वन फिफ्टी का सीआरआर बना सकते हो क्रिएट सीआरआर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ठीक है बोलो बेटा क्लियर तो अब कौन कौन सी एंट्री करोगे क्या पूछ रहा है हमसे वो पास द जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी एंट्री करोगे सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 150 प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट टू ट्वेंटी फाइव तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जाम में चाहे वो ना भी बोले तो भी ठीक है अब क्या वो रिडम्शन कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है रिडमशन नहीं कर रहा है अब क्या करेंगे अभी तुम चाहो तो प्रीमियम को राइट ऑफ कर लो सबसे पहले तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब तुमने प्रीमियम को तो राइट ऑफ कर लिया सीआरआर भी बना दो देखो एंट्रीज का सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है एंट्री का सीक्वेंस कुछ भी मैटर नहीं करता है कुछ भी सीक्वेंस में करो बस पहली एंट्री ये वाली करना फर्स्ट एंट्री बस ये वाली करना अब तुम सीआरआर बनाओगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कैपिटल पहली बार में तो मैं फुल फॉर्म ही लिखूंगा यार एग्जाम में बैठा हूं तो कैपिटल रिडम्शन रिजर्व सी आर आर ठीक है कितना वन फिफ्टी वन फिफ्टी ठीक है फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं आप ना पूरे बार 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 वर्किंग नोट को देखो कि हा टोटल अमाउंट की एंट्री हो गई हाँ राइट ऑफ कर लिया हाँ सी आर आर बना लिया हाँ ये जो सीआरआर इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो इन्वेस्टमेंट बेच डालो अब इन्वेस्टमेंट थे कितने के इन्वेस्टमेंट कितने के थे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑल बोल रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टू लैक के थे बेचे कितने में टू फिफ्टी में तो क्या एंट्री पास करोगे बैंक डेबिट टू फिफ्टी टू इन्वेस्टमेंट टू लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस आप इन्वेस्टमेंट को बेचकर पी एंड एल में ले जाओगे फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अरे मेरा बर्थडे नहीं है रे फालतू टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस आपने ये डाल दिया ठीक है इन्वेस्टमेंट भेज दिया अब आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है बार बार पढ़ोगे तो तो चीजें मेंटेन होगी ना कि और क्या क्या है अच्छा अभी क्या कर रहा है बोनस दे रहा है पर अभी हमने पेमेंट की एंट्री नहीं की अभी हमें पेमेंट की एंट्री करनी है तो पेमेंट की एंट्री करेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 225 225 अब वो क्या बोल रहा है कि भाई एक बार आपका बोनस हो गया तो कंपनी इशूड वन फुल्ली अप शेयर ऑफ टेन इच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी एट शेयर हेल्ड बाय इक्विटी शेयर एट शेयर हेल्ड बाय इक्विटी शेयर इक्विटी शोल्डर्स तो यहां एंट्री छोड़कर यहां वर्किंग फॉर बोनस शेयर्स आफ्टर बाय बैक अब जब मुझे बायबैक के बाद वर्किंग करनी है मुझे बायबैक के बाद वर्किंग करनी है तो मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक कितने हैं तो सर उससे पहले तो हमें बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा वन लाख वन लाख में से फिफ्टीन थाउजेंड बाय कर लिए तो कितने बचे एटी फाइव यहां ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो अब आपको बोनस इश्यू करना है बोनस इश्यू करना है एटी फाइव जी बेटा नरेशन जरूरी है मैंने कहा था नरेशन आपको करना है एवरी एट के बदले कितने मिलेंगे बेटा वन फुल्ली पेड एवरी एट के बदले वन ये हो जाएगा टेन सिक्स ट्वेंटी फाइव तो बोनस का अमाउंट कितना होगा बोनस उंटी फाइव इंटू टेन फेस वैल्यू के हिसाब से बोनस हमेशा फेस वैल्यू पे होगा पर एक बार फेस वैल्यू क्रॉस चेक कर लिया करो क्वेश्चन में कभी कभार फेस वैल्यू की होती है 20 की होती है एक क्वेश्चन था ऐसा मैं दिखाऊंगा आपको अभी तो फेस वैल्यू दस रुपए की है तो ये बोनस होगा बोनस कहां से दिया जाएगा बोनस इशू अमाउंट आउट ऑफ सीआरआर तो सीआरआर आपके पास रखा है क्या देखो जी आपने सी आर आर वन फिफ्टी का बनाया है, तो आप आराम से बोनस इशू कर सकते हो एंट्री करोगे सी आर आर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वन जीरो सिक्स टू फाइव जीरो वन जीरो सिक्स टू फाइव जीरो आप सी आर आर से बना लोगे और कुछ बोल रहा है क्या और कुछ नहीं बोल रहा है दैट्स इट बैलेंस शीट बनाने को बोला है क्या नहीं बोला है दैट्स इट देखो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने नरेशन बोला है क्या नहीं पर इन्होंने नरेशन लिखा है छोटा 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 नरेशन लिखा है ठीक है चलिए हो गया ये क्वेश्चन पर यार इस क्वेश्चन में ना फ्रेश इशू नहीं था यार चलो और ढूंढते फ्रेश इशू वाला भी आना चाहिए ना यार अगर फ्रेश इशू और आउट ऑफ रिजर्व दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगे तो वो भी कवर हो जाए अच्छा लगेगा हाँ जी विपिन कुमार ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहती है ठीक है चलो मैं और एक क्वेश्चन पहले देख लेता हूं आइए मैं आपको करवाता हूं पहले क्वेश्चन नंबर थर्टी एट सेम वर्किंग नोट फॉर बायबैक एग्जाम में बना सकते हैं हाँ जी बिल्कुल मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ टाइम पास के लिए नहीं करूंगा जो चीज़ एग्जाम में नहीं कर सकते बेटा याद रखिएगा याद रखिएगा मेरी बात मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूंगा जो हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं या फिर मेरी सहूलियत के कर लिए कर रहे हैं और वो एग्जाम में नहीं कर सकते बिल्कुल भी मैं ऐसी नहीं करूंगा मैं वो जी वो सब करवा रहा हूँ सोच समझ के जो एग्जाम में तुम कर सकते हो है ना एक सेकेंड मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है हेलो right. सर आपकी वजह से पढ़ने का दिल करता है थैंक यू सर लव यू आपको मेरा बहुत सारा प्यार थैंक यू बेटा आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आप क्लियर हो जाए अब ठीक है चलिए आइए बेटा थैंक यू सृष्टि एक्स्ट्रा लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेस यू फॉलोइंग बैलेंस शीट आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी दिखेंगे मुझे लगता है कि शायद वो क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए आपको तो मेरे साथ अभी ट्राई करते जाओ ठीक है आयशा थैंक यू सो मच शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक नॉन टन इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विपमेंट उसके बाद यहां दिया हुआ है इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच ऑथोराइज भी है इशूड भी है सब्सक्राइब भी है नाइन परसेंट रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं रेवेन्यू रिजर्व हाँ सिक्योरिटी हाँ समझ गए ना क्यों हाँ क्यों नहीं कैपिटल रिजर्व हम यूज नहीं कर सकते सी आर आर बनाने के लिए टेन परसेंट कंपनी रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट अब देखो प्रीमियम भी प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट तो यहाँ पर टेन परसेंट करके मतलब ये ट्वेंटी टू हो जाएगा इट ऑल्सो बॉड बैक थ्री लैक इक्विटी शेयर ऑफ टेन एट थर्टी पर शेयर द पेमेंट फॉर वेड वॉज आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस जब भी वो बोले आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस फॉर दिस परपज दे सोल्ड इन्वेस्टमेंट समझ जाना कि दे आर यूजिंग फ्री रिजर्व क्या बोला मैंने सर लिख दो वेन एवर इट इज रिटर्न In question, payment of buyback is out of huge bank balance or for the purpose of buyback. Investments or any asset is sold, it means buyback is made out of free reserves and security premium. ये बहुत जरूरी पॉइंट है तुम्हारे लिए अपने नोट्स में डाल देना समरी में ठीक है ठीक है समझ गए समझ गए तो देखो दो चीजों के हिसाब से अभी अगर मैं एक वर्किंग करूं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट तो सर पहले वर्किंग बाद में वर्किंग कोई दिक्कत नहीं है पहला है रिडम्शन तो रिडम्पन कितना है रुपीज इन लैक्स है सब डम्शन कितना है टेन परसेंट प्रीमियम रुपीज इन लैक्स सो ट्वेंटी लैक्स प्लस टेन परसेंट मतलब ट्वेंटी टू लैक्स ठीक है सेकेंड इज बाय बैक तो बायबैक में क्या बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स वही तरीका नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉड बैक थ्री लैक्स बायबैक प्राइस कितने में बायबैक कर रहा हूं थर्टी oh, रुपीज में थर्टी रुपीज में देयर फोर बाय बैक अमाउंट कितना होगा नाइन्टी लाख रुपीज बाय बैक अमाउंट कितना होगा नाइन्टी लाख रुपीज बाय बैक अमाउंट के दो हिस्से फेस वैल्यू प्रीमियम अब थ्री लाख इंटू टेन क्योंकि फेस वैल्यू तो टेन है ये देखो तो थ्री लाख नंबर्स इंटू टेन तो ये हो जाएगा थर्टी लैक्स और प्रीमियम हो जाएगा सिक्सटी लैक्स ठीक है क्या इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास कुछ है चेक करो चेक करो चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरे पास सिक्सटी ओ माई गॉड एग्जैक्ट सिक्सटी है एग्जैक्ट सिक्सटी है तो राइट ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ठीक है अच्छा अब इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैंने क्या बोला आपको आउट ऑफ प्रेश इशू है क्या जीरो फ्रेश इशू जीरो फ्रेश इशू कुछ नहीं है ठीक है तो यहां पर रिमेनिंग आउट ऑफ प्री रिजर्व मतलब थर्टी लैक्स मतलब क्या करेंगे क्रिएट सीआरआर आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्रिएट सी आर आर क्रिएट सी आर आर आउट ऑफ कहां से क्रिएट करोगे देखें भाई सिक्योरिटी प्रीमियम तो चला गया सीआरआर बना सकते हैं हम फिफ्टी कितना थर्टी आराम से आउट ऑफ जनरल रिजर्व नहीं रेवेन्यू रिजर्व नाम बोला है तो हम रेवेन्यू रिजर्व बोलेंगे जो वो नाम बोलेगा क्वेश्चन में वही करो रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व ठीक है क्लियर चलो और देखें और वर्किंग क्या है आगे बोल रहा है इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स वर इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिवेंचर्स अब ये नया हो सकता है ये पॉइंट पहले कभी ना देखा हो या पहले पता हो ठीक है अभी देखो ये क्या होता है यहां इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट वन ट्वेंटी के है ये बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन ओन कॉस्टिंग फेस वैल्यू दीज वर मैं बता दू ये पॉइंट बहुत ही लिमिटेड सेंस में यहां पर है ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था, करता था रिडम्शन ऑफ डिवेंचर तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना सोच समझो कि कंपनी अपने ही खुद के डिपेंचर में इन्वेस्ट कर सकती है अलाउड है अगर एक लिस्टेड कंपनी है और अगर उसको अपना ही डिवेंचर मार्केट में दिख रहा है कि सस्ते में है अभी तो वो खरीद लेगी देखो वही हो रहा है यहां पर देखो क्या हो रहा है डिपेंचर की फेस वैल्यू कितनी है टू ट्वेंटी अगर हमें रिडमशन करने जाऊं मार्केट में तो मुझे टू ट्वेंटी वापस करने पड़ेंगे पर मार्केट में आज उसकी वैल्यू कितनी चल रही है टू लाख तो कंपनी ने ले लिया ठीक है कंपनी ने खरीद लिया कंपनी वाला मजे ही मजे बढ़िया यार मैं का टाइम पे मुझे टू ट्वेंटी देना पड़ेगा बेटर लेता हूं है, तो मैं आउट कर दूंगा। तो क्या कर कर रही है कर बैठी है टू लैख रुपीज का टू ट्वेंटी के डिवेंचर में जब कैंसिल आउट करेगी तो ट्वेंटी रुपीज का फायदा हो जाएगा गेन प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हो जाएगा ठीक है ना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हो जाएगा चलो तो क्या करेंगे तो यहां पर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स पेस वैल्यू टू पॉइंट टू ये है लाइबिलिटी और कॉस्ट टू ये है असेट पॉइंट टू पॉइंट टू लैक्स प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हो जाएगा ठीक है बोलो बेटा क्लियर ठीक है आगे आप देखो वो जो ईशॉप वाला मैं आपको बता रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले ये ईशॉप का एक पॉइंट बताया था कि कभी क्या होगा क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि ना ईशॉप देना है ई सॉप करना है तो देखो जी क्या बोल रहा है क्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अब मैं ट्वेंटी रुपीजूंगा कितनी चल रही है थर्टी दिस वॉज इंक्लूडेड करंट लाइब्रेट तो करंट लाइब्रेट आपको यहां ये ट्रेड पेबल करके ठीक है ना तो ये बेसिकली आपको करंट लाइब्रेट में दिख रहा है इसमें से क्या हुआ इंप्लॉइज एक्सरसाइज देर ऑप्शन फॉर फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड शेयर अब मेरी बात को समझो पहले ईशॉप वाले केस पर आओप इसमें मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है देखो थर्टी रुपीज दिया हुआ है सर ट्वेंटी रुपीज क्या है ट्वेंटी रुपीज को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस ट्वेंटी रुपीज को बोलते एक्साइज प्राइस मतलब एक्चुअल इशू अब हम अपने इंप्लॉयज को शेयर इशू कर रहे हैं हम अपने इंप्लॉयज को शेयर इशू कर रहे हैं ट्वेंटी रुपीज पे मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है थर्टी तो टेन रुपीज टेन रुपीज इंप्लॉयर का एक्सपेंस है टेन रुपीज क्या है इंप्लॉयर का एक्सपेंस है तो इन्होंने टेन लाख टेन रुपीज के हिसाब से कितने शेयर है यहां पर कितने ऑप्शन दिए वन लाख वन लाख इन टेन तो हो गए टेन लाख तो ये जो सेवेंटी लाख आपको दिख रहा है ना रुपीज इन लैक्स ये जो सेवेंटी इस सेवेंटी के अंदर क्रेडिटर्स आपके सिक्सटी हो सकते हैं और ईसॉप आउटस्टैंडिंग आपके टेन लाख हो सकते हैं ऐसा होगा आप समझे मेरी बात वापस से सुनो थर्टी रुपीज में इशू कर सकते हैं पर हमने ट्वेंटी में इशू कर रहे हैं तो टेन रुपीज का हमारा एक्सपेंस तो एक्सपेंस को हमने बुक कर लिया एंट्री की होगी इंप्लॉयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी मतलब अभी शेयर इशू किया नहीं है मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं इंप्लॉयर एक्सपेंस डेबिट टेन लैक टू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये उन्होंने कर लिया होगा और एक तो ये लोग इतने गधे हैं कि इनको ये रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाना होता है शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग पर इन्होंने क्या किया वो बोल रहे हैं हमने ना उसको लाइबिलिटी कहा गया हमने उसको liability में डाला है पहली बात तो ये भी उन्होंने मिस्टेक किया है उन्होंने उसको लाइबिलिटी में डाला है पर कोई बात नहीं उन्होंने लाइबिलिटी में नहीं डालना चाहिए ठीक है अब वो क्या कर रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं टोटल ऑप्शंस वन लैख नंबर अब इसमें से कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड शेयर एक्सरसाइज हो रहे हैं तो हम लिखेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज मतलब इशूड कितने फिफ्टी तो अभी तक आपने एक बना के रखी थी टेन लैख की टेन लैख की लाइब्रिटी बना के रखी थी कितने ऑप्शन पर 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 उसमें से फिफ्टी तो ये लाइब्रेरी को रिवर्स करना पड़ेगा एंट्री तो होती है, होती है debit, जो आपने यहां पर एक बना के रखी थी जिसको आपने करंट लाइब्रेरी में डाला टेन लैख टेन लैख का फाइव लैख रिवर्स हो जाएगा सर फाइव लैख रिवर्स क्यों होगा बेटा क्योंकि टोटल ऑप्शन वन लैख थे वन लाख के हिसाब से वन लाख मल्टीप्लाईवर टेन टेन लाख की लाइब्रेरी बना के रखी थी पर सिर्फ फिफ्टी ही एक्सरसाइज हो रहा है बाकी फिफ्टी बाकी फिफ्टी बाद में एक्सरसाइज होंगे बाकी फिफ्टी बाद में एक्सरसाइज होंगे लाइट गई थी पता नहीं क्या हुआ समझ नहीं आया ठीक है बाकी फिफ्टी थाउजेंड बाद बोलो बेटा क्लियर इसके अलावा जब एक्सरसाइज होंगे तो पैसे भी तो आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना ये ट्वेंटी रुपीज तो ट्वेंटी इंटू फिफ्टी थाउजेंड कितने लैक्स हो गए टेन लैक्स ये हो गए टेन लैक्स ये हो गए ठीक है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा फेस वैल्यू तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन तो फाइव लैक्स और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर मतलब टेन लैक्स ठीक है बताओ फिर से मार्केट प्राइस मार्केट में कितने में इशू कर सकते हैं एक्सरसाइज प्राइस कितने में इशू किया तो दस रुपए का कंपनी ने एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर लिया है

आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम वापस से आ गया मेरे पास तो सर क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं सीआरआर के लिए बिल्कुल मैं इसको यूज कर सकता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं इट कैन बी यूज टू क्रिएट सीआरआर मैं सीआरआर को क्रिएट करने के लिए इसको यूज कर सकता हूं ठीक है आई पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबॉव अब जर्नल एंट्री पास करो जर्नल एंट्री पास करो तो पहली एंट्री क्या करेंगे प्रेफरेंशियर को रिडीम किया प्रेफरेंशियर का परसेंटेज नाइन परसेंट नाइन परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंशियर कैपिटल अकाउंट डेबिट ट्वेंटी प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्वेंटी टू अब याद रखेगा जब भी आप रिडम्शन करते हो तो सी आर आर रिडम्शन के लिए भी बनता है सीआरआर जो होता है वो रिडम्शन के लिए भी बनता है तो यहां पर जो मैंने आपको ये करवाया है ना क्रिएट सी आर आर ऑफ ट्वेंटी लैक्स रिडम्शन का भी सेम रूल होता है जो रूल आप बायबैक के लिए अप्लाई करते हो कि अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो रिडम्शन के लिए तो आप सीआरआर मत बनाओ अगर आप प्री रिजर्व से कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा इक्वल टू फेस वैल्यू ठीक है तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा चलिए ये हो गया फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री ये आपका रिडमशन का अब सेकेंड एंट्री इक्विटी का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए अपना इंटी थर्टी सिक्सटी तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट थर्टी प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट सिक्सटी टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट नाइंटी इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट नाइंटी ठीक है ठीक है बच्चों शेयर भी हो गया ऐसे करके करके अब आप देखते जाओ क्या क्या आप बचा प्रीमियम आ गया प्रीमियम को राइट ऑफ करना है तो अब देखो प्रीमियम तो दो, दो जगह है ये भी प्रीमियम है ये भी प्रीमियम है कितना सिक्सटी और टू सिक्सटी टू आपके पास कितना प्रीमियम रखा है आपके पास बैलेंस शीट में एग्जैक्ट सिक्सटी का रखा है पर उसके अलावा आपको प्रीमियम यहां से भी आ रहा है टेन तो आप प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री अभी मत करो पहले ये वाली एंट्री कर लो तो मैं ये वाली एंट्री ये वाली जो एंट्री है मैं इसको करूंगा पहले उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा ठीक है ना आया समझ में तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री बाद में करेंगे ठीक है फिर उसके बाद और क्या होगा सर सीआरआर क्रिएट करना है आराम से क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास 50 का रखा है तो यहां से आप रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर क्रिएट कर सकते हो रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व 50 टू सी आर आर फिफ्टी सर फिफ्टी कैसे ट्वेंटी प्रेफरेंस शेयर्स का और थर्टी इक्विटी शेयर्स का ये प्रेफरेंस का ये इक्विटी का ठीक है आपने सीआरआर क्रिएट किया चलो सीआरआर भी क्रिएट हो गया अब क्या हुआ आपने हां डिबेंचर ओन डिवेंचर कैंसल आउट कहते लाइबिलिटी खत्म करना है असेट खत्म करना है प्रॉफिट मिलेगा तो ये एंट्री करेंगे डिबेंचर के परसेंटेज क्या था टेन परसेंट एंट्री करेंगे टेन परसेंट डिबेंचर टू पॉइंट टू टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स टू टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन पॉइंट टू ऐसा चलो ये भी हो गया फिर पांचवा एंट्री वही इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट फाइव लैक्स बैंक अकाउंट डेबिट जो मैं एंट्री समझा चुका हूं मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं टेन लैक्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल फाइव लैक्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम टेन लैक्स अब देखो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम टेन लैक ये हो गया और जो बुक्स में रखा है सिक्सटी हो गया तो अब आप राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सिक्सटी टू टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन टू टू प्रीमियम ऑन बायबैक सिक्सटी बोलो जी क्लियर हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बच गया बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्सटी था टेन आया सिक्सटी टू गया एट ठीक है तो इस तरीके से ही होगा अच्छा बैलेंस शीट भी बनानी है तो ये एंट्री सारे के सारे हो गए और नॉट ये एंट्री सारे के सारे हो गए तो बस अब आपको बनानी है बैलेंस शीट अब आपको बनानी है बैलेंस शीट सर एक बात बताओ सर ये जो हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया सर जो ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन है सर ये कहां जाएगा देखो इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा एम्बिक्विटी है बहुत ज्यादा एम्बिक्यूटी है जब पहले ये चैप्टर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में तो इंस्टीट्यूट इसको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को बहुत पहले कैपिटल रिजर्व में डालता था फिर बीच में इन्होंने इंस्टीट्यूट ने डालना कहीं बंद ही कर लिया जान के इसके ऊपर इंस्टीट्यूट साइलेंट था पर अभी के लिए इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इसको कैपिटल रिजर्व में डाला है तो तुम भी ना कैपिटल रिजर्व में डाल के आना तो तुम्हारे पास कोई कैपिटल रिजर्व रखा है क्या पहले से ही देखना हाँ रखा है तो इसमें जाके ऐड हो जाएगा नहीं होता तो भी जाके ऐड हो जाता देखो मैं बता रहा हूं आ, ये देखिए कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर को वो कैपिटल रिजर्व में डाल डाल रहे हैं ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो क्या मैं बैलेंस शीट बनवाऊं क्या सर बनवा दोगे तो मजा आ जाएगा देखो थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ही फॉलो फौल, करूंगा ज्यादा फॉलो नहीं करूंगा ठीक है तो पुराना बैलेंस शीट चलिए सबसे पहले सबसे पहले है शेयर कैपिटल नोट्स वो अकाउंट्स तुम खुद बना लेना ठीक है अच्छा पेमेंट एंट्री तो की नहीं भाई सही बात है एक बच्चे ने याद दिलाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट ट्वेंटी टू इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट नाइंटी टू बैंक बैंक को ध्यान में देखें तो 142 बहुत है अपने पास 90 और 142 सॉरी 90 और 22 ये 112 112 का आपका पेमेंट एंट्री हो गया चलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा शेयर कैपिटल के अंदर पुराना वाला शेयर कैपिटल आपका कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल टेन इंच फुल्ली पेड सो ठीक है सो so, सौ का पुराना था आपने एंट्री में देखिए एक तो थर्टी माइनस कर दिया फिर यहां पर आपका फाइव आ गया तो सौ में से थर्टी माइनस हो गया फाइव नया आ गया तो ये हो जाएगा सेवेंटी फाइव शेयर तो आपका चला गया शेयर तो आपका पूरा चला गया ठीक है शेयर पूरा चला गया चलो उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले कैपिटल रिजर्व ओपनिंग एट और वो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन पॉइंट टू तो ये हो गया आपका एट पॉइंट टू कैपिटल रिजर्व भी हो गया चलो उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व फिफ्टी रेवेन्यू रिजर्व फिफ्टी इसमें से आपने सीआरआर बनाया फिफ्टी सीआरआर बनाया आपने फिफ्टी कहां है कहां है ये वाला और तो यह प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन में चला कैपिटल uh, तो में चला गया प्रीमियम प्रीमियम हट गया वो सब ठीक है तो यह पूरा का पूरा खत्म जीरो सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्सटी प्लस प्रीमियम ऑन ईसॉप टेन माइनस प्रीमियम राइट ऑफ सिक्सटी टू तो ये बचा एट सी आर आर आपने बनाया आपने नया सी आर आर कितना बनाया फिफ्टी का तो सी आर आर आपने बनाया फिफ्टी ठीक है बोलो जी क्लियर ये हो गया आपका रिज रे, रिजर्व तो ये रिजर्व सरप्लस कितना एट पॉइंट टू और फिफ्टी ये हो गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू सिक्स टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू समझ आया फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या होंगे डिवेंचर्स होंगे याद करो डिवेंचर होंगे चार उसमें से आपके टू पॉइंट टू के डिवेंचर तो हट गए ये टू पॉइंट टू के डिवेंचर हट गए तो यहां पर टेन परसेंट डिवेंचर चार में से टू पॉइंट टू गए तो वन पॉइंट एट बचे डिबेंचर भी डन डिबेंचर के बाद आपका ट्रेड पेबल था ठीक है ट्रेड पेबल कितने थे सेवेंटी पर वो लाइब्रेरी से आपकी वो ईसॉप वाली लाइब्रेरी हट गई ये ईसॉप पांच वाली लाइब्रेरी हट गई माइनस फाइव ठीक है सर आपने कहा था कि वो गलती से उन्होंने गधे हैं वो इन्होंने यहां डाला है उनको में चाहिए। डालना चाहिए लॉजिकली डालना चाहिए लॉजिकली बचा हुआ 5, क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि टेन है ईसोप तो उसमें से आपने फाइव हटा दिया तो बचा हुआ फाइव लॉजिकली रिजर्व सर्प्ल में डालना चाहिए तुम चाहो तो यहां भी डाल सकते हो मैं काम करता हूं यहां डाल देता हूं ईसो आउटस्टैंडिंग यहां पांच तो ये ये हो जाएगा सेवेंटी वन पॉइंट टू सेवेंटी वन पॉइंट टू ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स अब कितने बज गए भाई सेवेंटी में से टेन पूरे हट हटा दो सिक्सटी सिक्सटी ठीक है ये बाद में टोटल कर लेना अब असेट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिफ्टी असेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वन ट्वेंटी में से टू गए तो बचा एटी वन हंड्रेड एटीन क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू लाख की कॉस्ट के थे ठीक है और कैश एंड कैश इक्वलेंट कैश एंड कैश इक्वलेंट वो कितना था वन फोर्टी टू वन फोर्टी टू में अब देखो क्या क्या किया आपने बैंक वाली एंट्री यहां बैंक नहीं है यहां बैंक नहीं है यहां बैंक नहीं है यहां बैंक नहीं है यहां बैंक है टेन और फिर यहां बैंक है वन तो ये आया और ये गया ये बचा फोर्टी तो ये असेट आ गया टू जीरो एट टोटल इसको देखें आ गया टू जीरो एट टोटल ठीक है बेटा चलिए अभी दो क्वेश्चन बचे हैं अभी मैं पहले आपको करवाऊंगा वो जो रिसोर्स टेस्ट शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट वगैरह वगैरह आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन एक काम करो मुझे दो मिनट का टाइम दो अब इसको पढ़ लो एक बार हाँ जी सर ये बैच एग्जाम के कितने दिन पहले ओवर होगा बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तो इसको 15 से 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लूँ मतलब उसके बाद मुझे भी बाकी शेड्यूल्स प्लान करने हैं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कितना जल्दी जितना जल्दी हो सके मैं उसको उतना जल्दी मैनेज कर लूँ लेट्स सी कितना हो पाता है है ना लेट्स सी कितना हो पाता है चलिए थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 990 रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व कोई भी स्पेशल लिखा हो रिजर्व बिल्कुल मतलब ही नहीं है उसको सिरे से खारिज कर देना यह सीआरआर के लिए यूज नहीं होगा लोन फंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड ऑन सेकंड सेप्टेंबर अ प्रपोजल टू बाय बैक द मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंसिडरिंग सफिशियंट फंड अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी करंट मार्केट वैल्यू ट्वेंटी फाइव इन टू इंडिंग ओवर ज्यादा दे रहे पच्चीस प्लस ट्वेंटी परसेंट मतलब वैसे तो मार्केट प्राइस ट्वेंटी फाइव है बट उनको ललचाने के लिए उनको बोलने के लिए उनको ये दिखाने के लिए देखो हम तुम्हें ज्यादा दे रहे हैं तो हम उनको थर्टी रुपीज का बाय ऑफर कर रहे ठीक है यू आर ऑल्सो इंफॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेडेड टू सेटिसफाई द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो ये रिजर्व है ना ये किस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है और ऐसा कोई भी रिजर्व जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है यू कैनॉट यूज इट फॉर क्रिएटिंग सीआरआर

इंटायर बाय बैक इज कंप्लीटेड ऑन थर्टी नाइन नाइन्थ डिसंबर शो द अकाउंटिंग एंट्रीज विथ फुल नेशन इन द कमनीज बुक्स इन ईच सिचुएशन सो जब भी हमें कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल बाय बैक अप्लाय बिलो टेस्ट तीन टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं नंबर वन शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट इसमें क्या होता है इसमें हम इशूड नंबर देखते हैं कितना है कितना है कितना है कितना है टेन नाइन नाइनटी करो 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 नाइन नाइनटी डिवाइड बाई टेन कितना हुआ नाइनटी नाइन लैक्स ये नंबर्स मैक्सिमम नंबर्स मैक्सिमम बाय एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट हो सकता है नाइनटी नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट यह हो जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव ऑफ़ नंबर्स ये टेस्ट कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड हैं उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट बाईबैक कर लो मतलब नाइनटी नाइन लैक्स का ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव नाइन्टी नाइन कहां से आया नाइन नाइन्टी का शेयर कैपिटल है टेन रुपीज का फेस वैल्यू है तो नाइन्टी नाइन लैक्स हो गए नंबर्स दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट रिसोर्स टेस्ट रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है रिसोर्स टेस्ट बोलता है रिसोर्स टेस्ट बोलता है पैसा टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक कैन नॉट एक्सीड कैन नॉट एक्सीड कैन नॉट एक्सीड क्या कैन नॉट एक्सीड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ पेडअप कैपिटल एंड प्री रिजर्व याद रखना फ्री रिजर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं आता एज अंडर तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल 990 जनरल रिजर्व सेवन सिक्योरिटी प्रीमियम और पी एंड एल सिक्योरिटी प्रीमियम और पी एंड एल टू सेवेंटी टू सेवेंटी टू टू फाइव जीरो रुपीस लैक्स मैक्सिमम बायबैक अमाउंट ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट मीन्स बायबैक का प्राइस पर शेयर क्या होगा थर्टी रुपीज बायबैक प्राइस पर शेयर कितना होगा थर्टी रुपीज क्यों ये देखो ना थर्टी हमने बोला है तो बताओ थे फोर नंबर कितना आया ये ये हो गया कंडीशन कह रहा है कि आप एटीन पॉइंट सेवन फाइव लैक नंबर से ज्यादा पाई बैक नहीं कर सकते जबकि फर्स्ट कंडीशन बोलती है आप ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव से ज्यादा नहीं कर सकते तो अगर मैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर करूंगा तो यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी पर रिसोर्स टेस्ट वाली कंडीशन बोलेगी नहीं नहीं कर सकते इसीलिए विच इज लोअर पे जाना पड़ेगा पर अभी थर्ड कंडीशन है थर्ड कंडीशन है डेट इक्विटी टेस्ट डेट इक्विटी टेस्ट थर्ड कंडीशन है डेट इक्विटी टेस्ट गाइस मुझे दो मिनट का टाइम दीजिए दस बजे मेरा फाइनल वाले बच्चों के साथ जूम सेशन था तो मैं उनको बोल देता हूँ कि थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा ठीक है ना थोड़ा पोस्पोन हो जाएगा तो दो मिनट का टाइम दीजिए डेट इक्विटी टेस्ट अगर आता हो तो करने की कोशिश करिए चलो ट्वेंटी फोर पॉइंट टू फाइव डिवाइड नहीं होगा टेन रुपीज से अरे दीदी ओ सोनम ये नंबर है बेटा क्या कर रहे हो 99 नाइन ,00 नंबर है अगर इस 99 नाइन ,00 नंबर का ट्वेंटी फाइव परसेंट करोगे तो ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फोर नंबर ही आएगा ना दीदी ओ दीदी सर 99 लाख ,00 कैसे आया कोई बताएगा तो नाइनटी लैख रुपीज है डिवाइड बाय टेन किया तो नाइनटी नाइन लैख नंबर आ गया समझे क्या समझे क्या बोलो बेटा ठीक है चलो हां अपना क्या चल रहा था डेट इक्विटी टेस्ट तो ये होगा आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड टू एस टू वन डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड टू एस टू वन अब यहां पर आप देखोगे तो डेट में वो तीन अलग अलग डेट के सिचुएशन दे रहा है एक फिफ्टी फोर हंड्रेड एक थर्टी सिक्स हंड्रेड एक फोर्टी फाइव हंड्रेड वो तीन अलग अलग सिचुएशन दे रहा है तो वो बोल रहे तीनों सिचुएशन में बताओ कि कितना कितना बायबैक कर सकते हैं तो वो तीनों सिचुएशन पर अपन आएंगे पर पहले क्या पहले देखो कुछ बातों पर ध्यान दो कुछ बातों पर ध्यान दो पर्टिकुलर्स सिचुएशन वन टू थ्री यहां डेट कितना है ए फिफ्टी फोर या तो फिर थर्टी सिक्स या तो फिर फोर्टी फाइव आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड टू इज टू वन अगर डेट टू होगा तो इक्विटी वन तो डेट जितना भी है तो बताओ मिनिमम इक्विटी कितना मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बेसिकली इट इज अ हाफ ऑफ डेट डेट का आधा 2700 1800 हंड्रेड एटीन फिर प्रेजेंट इक्विटी कितना है प्रेजेंट इक्विटी कितना है करंट इक्विटी करंट प्रेजेंट इक्विटी फोर बाय बैक तो इसमें क्या आता है इसमें आता है पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम तो करंट इक्विटी कितना है करंट इक्विटी में ये तीन और ये नाइन नाइनटी है टू टू फाइव जीरो जो कि आप सिचुएशन सेकेंड टेस्ट में भी निकाल चुके थे टू टू फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो अब आप ध्यान से देखिए अब आप सिचुएशन वन टू थ्री में मिनिमम इक्विटी को प्रेजेंट इक्विटी से कंपेयर करिए मिनिमम इक्विटी को प्रेजेंट इक्विटी से कंपेयर करिए देखो सिचुएशन थ्री क्या बोलता बायबैक के बाद इतना इक्विटी होना चाहिए और अभी कितना इक्विटी है टू टू फाइव जीरो मतलब अगर आप एक रुपए का भी बायबैक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्यों अगर आप एक रुपए का भी बायबैक करोगे तो ये हो जाएगा टू टू फोर नाइन जबकि आपका मिनिमम इक्विटी होना चाहिए कितना टू टू फाइव जीरो तो इसका मतलब सिचुएशन थ्री के अकॉर्डिंग आप बायबैक नहीं कर सकते हो सिचुएशन वन तो उससे भी बुरी है सिचुएशन वन उससे भी बुरी है

सिचुएशन टू में बाय कर सकते हैं सिचुएशन टू के अंदर बाइबैक कर सकते हैं क्योंकि वो बोलता है कि अभी आपकी इक्विटी टू टू फाइव जीरो माइनस करना पड़ेगा कैपिटल और और उसके बाद आपकी मिनिमम इक्विटी एटीन हंड्रेड की होनी चाहिए तो हां ये समझ में आ रहा है कि ये डूएबल है तो सिचुएशन वन और थ्री के बारे में हम पहले लिखेंगे फिर सिचुएशन टू के बारे में लिखेंगे तो यहां लिखिए अंडर Situation one and three. It is not practical to buy back since minimum equity requirement will not be fulfilled. विल नॉट बी फुलफिल्ड अब बात करते हैं सिचुएशन टू अब बात करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन टू अब इसमें मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि एक शॉर्टकट फॉलो करो प्रॉपरली कैसे सबसे पहले एज्यूमिंग नंबर ऑफ बाय बैक एक्स नंबर सर एक्स अज्यूम क्यों कर रहे हो हमें तो मैक्सिमम परमिसेबल निकालना है ना टेस्ट वन बोल रहा है ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव लैक्स नंबर टेस्ट टू बोलता है एटीन पॉइंट सेवन फाइव लैक नंबर टेस्ट थ्री तो हम खुद बोल रहे हैं कि एक्स नंबर बायबैक प्राइस क्या है थर्टी रुपीस तो देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या प्रेजेंट इक्विटी माइनस बायबैक इफेक्ट ज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी प्रेजेंट इक्विटी माइनस बायल टू मिनिमम इक्विटी प्रेजेंट इक्विटी में से बायबैक का इफेक्ट हटाओगे तो मिनिमम इक्विटी बचेगी तो प्रेजेंट इक्विटी टू टू फाइव जीरो माइनस बायबैक इफेक्ट ये बायबैक इफेक्ट होता क्या है बायबैक इफेक्ट में फेस वैल्यू रिड्यूस होती है बायबैक इफेक्ट में आपके फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सी और प्रीमियम को भी राइट ऑफ करते हो ये सब तो देखो अब बायबैक इफेक्ट देना है नंबर ऑफ बायबैक कितना है एक्स बायबैक प्राइस कितना है थर्टी फेस वैल्यू कितना है टेन तो मुझे बताओ सबसे पहले जब तुम बायबैक करोगे तो तुम्हारा टेन एक्स से पेड़ अप शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड फिर उसके बाद और क्या रिड्यूस होगा थर्टी में से फेस वैल्यू टेन रिड्यूस होगा ट्वेंटी रुपीज का क्या है प्रीमियम प्रीमियम को कहां से राइट ऑफ करोगे प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे तुम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिड्यूस होगा तो आपकी प्रेजेंट इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी तो ट्वेंटी एक्स ट्वेंटी एक्स से क्या रिड्यूस होगा प्रीमियम राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम हैंस प्रेजेंट इक्विटी रिड्यूस्ड बस सर यही होगा ना नहीं बेटा सीआरआर बनाओगे क्योंकि तुम इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू कर नहीं रहे हो तो सीआरआर कितने से बनाओगे सीआरआर बनाओगे फेस वैल्यू से तो फेस वैल्यू टेन एक्स एक और रिड्यूस होगा बिकॉज ये सीआरआर बनाओगे जनरल रिजर्व से या प्रीमियम से सिक्योरिटी प्रीमियम से या से और सीआरआर खुद जाके अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि सर सीआरआर बनाएंगे तो जनरल रिजर्व कम होगा पर सीआरआर भी तो बढ़ जाएगा बेटा सीआरआर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिनिमम इक्विटी सीआरआर आपके मिनिमम इक्विटी का पार्ट नहीं होगा तो इसीलिए सीआरआर ऑफ फेस वैल्यू ये होने के बाद आपकी मिनिमम इक्विटी एटीन हंड्रेड बचेगी तो कितना टेन ट्वेंटी सॉरी ये प्लस टेन ट्वेंटी और टेन मतलब फोर्टी एक्स बायबैक प्राइस कितना था थर्टी शॉर्टकट सिंपल है जितना बायबैक प्राइस हो उसमें फेस वैल्यू ऐड कर दो तो उतना यहां पर बायबैक इफेक्ट हो जाएगा तो 2250 टू फाइव जीरो माइनस फोर्टी एक्स इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 11.25 पॉइंट टू फाइव लैक्स सो सिचुएशन टू में कहा गया है कि आप बाय बैक कर सकते हो 11.25 पॉइंट टू फाइव का तो अब मुझे हमें पता करना है मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक सिचुएशन वन सिचुएशन टू सिचुएशन थ्री आउटस्टैंडिंग टेस्ट ये कहता ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव रिसोर्स टेस्ट ये कहता एटीन पॉइंट सेवन फाइव एटीन पॉइंट सेवन फाइव एटीन पॉइंट सेवन फाइव सी डेट इक्विटी टेस्ट जीरो इलेवन पॉइंट टू फाइव जीरो तो फाइनली बताइए बाय बैक कितना होगा जीरो विच एवर इज लोअर इलेवन पॉइंट टू फाइव और जीरो समझ गए अब वो क्या पूछ रहा है जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री सिर्फ सिचुएशन टू में करोगे सिचुएशन टू में जर्नल एंट्रीज करोगे ठीक है सर कौन कौन सी होगी पहली इक्विटी शेयर बायबेक अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबे अकाउंट डेबिट टू 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 इक्विटी शेयर सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबे अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबे अकाउंट ठीक है क्योंकि प्रीमियम इसलिए क्योंकि थर्टी रुपीज का है दूसरा प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम से तीसरा सीआरआर क्रिएट करने की सिक्योरिटी प्रीमियम से या रिजर्व से चौथा पेमेंट की एंट्री बस तो जर्नल एंट्री अब तो तुम कर ही सकते हो अब करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन हाँ अब करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन करते हैं आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन एक्स लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन थैंक यू सृष्टि थैंक यू सो मच थर्टी नाइन एक्स लिमिटेड फर्निश फॉलोइंग समराइज बैलेंस एक्ट थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन शेयर कैपिटल ऑफ ट्वेंटी देखो फेस वैल्यू ट्वेंटी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी कभार फेस वैल्यू कुछ और डिविडेंड इक्विजेशन रिजर्व ये भी तुम यूज नहीं कर सकते कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट सी यही लिख लेता हूं कैन नॉट बी कैन नॉट बी यूज फॉर सी आर आर सी आर आर के लिए यूज नहीं कर सकते ठीक है ओके सुशांत आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ शूज रिगार्डिंग डेट इक्विटी बट नाउ इट हैज बिन क्लियर थैंक यू सर थैंक यू बेटा शॉर्टकट याद रखना वापस बोल रहा हूं अगर बायपैक प्राइस थर्टी था तो मैंने ओवरऑल फोर्टी एक्स का इफेक्ट दिया मतलब थर्टी प्लस फेस वैल्यू अगर बायबैक प्राइस सेवेंटी होता तो मैं एटी एक्स का इफेक्ट देता बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू फेस वैल्यू दस रुपए है ये मान के चल रहा हूं फेस वैल्यू सौ रुपए होगी तो उस हिसाब से करेंगे मान लो आपका बायबैक प्राइस वन है और फेस वैल्यू सौ है तो आप टू का इफेक्ट दोगे याद रखना ठीक है ठीक है ये ध्यान रखना नरगिस सर मैंने दो जगह से क्लास किया है बट जिस तरीके से आप समझाते हो इट्स अमेजिंग थैंक यू नरगिस प्लीज गाइड फॉर मई ट्वेंटी फाइव मई ट्वेंटी फाइव के लिए बेटा ये वाला वीडियो मत देखो ये सेप्टेम्बर और जनवरी वाले बच्चों के लिए है एग्जाम आने वाले हैं उनके तुम्हारे लिए अलग से गाइडेंस वीडियो बनता रहेगा बहुत बार नौ तारीख से बैच शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करना हो तो वो कर ही लेना पर साथ साथ यूट्यूब पे रहेगा तो वो देख लेना ठीक है उसमें गाइडेंस मिल जाएगी चलो Question number 39. 12% debenture, current liabilities provisions, trade, uh, tangible assets, investment, inventory, cash, and bank. Shareholders adopted the resolution on the date of above mentioned balance sheet to buy back 25% of the paid up capital. It was decided to offer a price of 20 rupees over the market price. Market value 30. थर्टी प्लस ट्वेंटी परसेंट मतलब थर्टी सिक्स अब वो बायबैक करने के लिए देखो क्या क्या कर रहा है टू फाइनेंस द बायबैक ऑफ शेयर कंपनी इशूड थ्री थाउजेंड फोर्टीन परसेंट डिवेंचर ऑफ हंड्रेड एट अ प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी मुझे बताओ क्या बायबैक करने के लिए डिबेंचर इशू करना अलाउड है क्या बायबैक के लिए डिबेंचर इशूड करना अलाउड है बोलो अलाउड है कि नहीं वो कर रहा है पर क्या लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड है क्या लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड है नो no, अलाउड नहीं है तो इसको हम वर्किंग में नहीं लेंगे एंट्री करेंगे देखो अब ना कट्टरवादी नहीं बनना है क्यों अलाउड नहीं अलाउड क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है ना अलाउड नहीं है वर्किंग में नहीं करेंगे पर इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना इसको कैश बैलेंस में तो लेना पड़ेगा ठीक है अलाउड नहीं है बाईबैक के लिए सीआरआर की वर्किंग में नहीं लेंगे सीआरआर की वर्किंग में नहीं लेंगे पर अलग से एंट्री करेंगे कट्टरवादी नहीं बनने का है ठीक हाँ, है हा इश्यूज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टेन परसेंट प्रेफरेंशियल हंड्रेड इज अलाउड है अलाउड है तो नॉट अलाउड और अलाउड सीआरआर की वर्किंग में नहीं आएगा डिबेंचर वाला ठीक है इसके अलावा सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ रूपीजन रूपीजन मतलब फ्री रिजर्व भी यूज कर रहा है अब आया ना क्वेश्चन अब देखो ये क्वेश्चन में फ्री रिजर्व भी यूज हो रहा है और फ्रेश इश्यू भी हो रहा है मजा आया मजा आया मजा आया ये वाली लाइन बस इसने एक एडिशनल लिख दी मेंटेन अ बैलेंस ऑफ टू लैक इन द रेवेन्यू रिजर्व तो रेवेन्यू रिजर्व में दो लाख का बैलेंस आपको मेंटेन करना है आप दो लाख का रेवेन्यू रिजर्व कहीं यूज नहीं कर सकते बाकी जो यूज करना है कर लो इसका मतलब यह हुआ हुआ कि जो आपके पास रेवेन्यू रिजर्व रखा हुआ है लाख का उसमें से टू लाख छोड़कर बाकी तीन लाख आप यूज कर लो ठीक है इसके अलावा लेटर द कंपनी शूड थ्री फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ट्वेंटी बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी फिफ्टीन वो भी कर लेंगे तो आ जाओ सबसे पहले वर्किंग नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है यहां पर फिफ्टी डिवाइड बाय ट्वेंटी टू फिफ्टी बायबैक प्राइस टी सिक्स तो बताइए टोटल बायबैक अमाउंट कितना होगा टू फिफ्टी इंटू थर्टी सिक्स नहीं सॉरी टू फिफ्टी का ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड बेटा कैसे टोटल शेयर्स टू फिफ्टी नंबर हैं उनका ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड वो क्या है पूरे दिन भर से बस पढ़ाना पढ़ाना कुछ ना कुछ काउंसलिंग रात को आके दिमाग खराब हो जाता है चलो ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इसके दो हिस्से फेस वैल्यू और प्रीमियम अमाउंट फेस वैल्यू और प्रीमियम अमाउंट फेस वैल्यू और प्रीमियम बताइए फेस वैल्यू कितना सर फेस वैल्यू होगा सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी प्लीज 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 दस रुपए नहीं है और सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड इंटू सिक्सटीन मतलब ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड सॉरी मतलब टेन लैक्स ठीक है पहले अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो क्या आपके पास प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रखा है क्या देखो जी सिक्योरिटी प्रीमियम ट्वेल्व लाख रखा है बहुत ही बढ़िया राइट ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अब आप ध्यान से देखो सिक्योरिटी प्रीमियम ट्वेल्व रखा है आप टेन राइट ऑफ कर रहे हो फिर भी आपके पास टू लाख का बैलेंस बचा है और उधर से आप कैपिटल रिजर्व यूज कर नहीं सकते प्रीमियम अभी आपके पास दो बचा है रेवेन्यू रिजर्व आप मैक्सिमम तीन कर सकते हो मतलब पांच पी एल आपके पास अच्छा खासा बचाए और डिविडेंड इक्वलाइजेशन आप नहीं यूज कर सकते इसके दो हिस्से आउट ऑफ फ्रेश इशू तो फ्रेश इशू हो रहा है क्या हाँ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टेन परसेंट प्रेफरेंशियस ऑफ हंड्रेड इच ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नंबर्स प्रेफरेंस शेयर्स हंड्रेड प्रीमियम पे कर रहे हैं क्या नहीं तो ये कितना हो रहा है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू हंड्रेड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू लैख इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है ना लैक तो बाकी का बैलेंस आउट ऑफ प्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कितना दैट इज टेन लैक्स अब दस लाख का मुझे क्या बनाना पड़ेगा सीआरआर क्रिएट सीआरआर मुझे टेन लाख का क्या बनाना पड़ेगा सी आर आर कहा से बनाऊंगा दस लाख की जुगाड़ करो 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 टेन लाख के लिए देखो या तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम टू लाख यूज कर दो रेवेन्यू रिजर्व तुम्हें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है मतलब रेवेन्यू रिजर्व तुम कर दो तीन लाख ये हो गया पांच और बाकी का पीएंडल से कर दो पांच सर ये भी तो कर सकते हैं कि पीएंडल ही पूरा यूज कर ले हां पर जब वो बोल रहा है कि मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व तो फिर तुम्हें वो हिंट दे रहा है कि रेवेन्यू रिजर्व तो तुम्हें करना ही है अब तुम थ्री रेवेन्यू रिजर्व से कर लो बाकी का पी से कर लो या टू प्रीमियम बना के बाकी का फाइव पीएं से कर दो ये हमारे ऊपर है सर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है देखो इंस्टीट्यूट ने भी इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज किया होगा देख लेते हैं चलो देखो रेवेन्यू रिजर्व इन्होंने क्या किया थ्री प्रीमियम इन्होंने क्या किया टू सिक्सटी सर प्रीमियम टू सिक्सटी क्यों यूज किया सर सर प्रीमियम टू सिक्सटी क्यों यूज किया है ना प्रीमियम टू सिक्सटी क्यों यूज किया अब वो नीचे कहीं पर टू सिक्सटी का कोई फंडा होगा कहीं टू सिक्सटी वगैरह आ रहा होगा इनका एक सेकेंड कहीं पर हाँ ये देखो प्रीमियम ऑन डिवेंचर भी आ रहा है प्रीमियम ऑन डिवेंचर आ रहा है ये 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 देखो देखो प्रीमियम सर कहां कहां से आया? कहां से आया आया जी जो इशू किया है ना ये प्रीमियम पे इशू किया है पर सर ये तो अलाउड नहीं है बेटा डिवेंचर अलाउड नहीं है इशू करना पर उसका जो प्रीमियम पड़ा है वो तो प्रीमियम तुम्हारे फ्री रिजर्व में चला जाएगा और प्रीमियम जब फ्री रिजर्व में चला जाएगा इट कैन बी यूज्ड मेरे भाई इसको दूसरे तरीके से समझ ये जो तेरे पास प्रीमियम रखा है हां ये प्रीमियम रखा है 12 लाख ये प्रीमियम कहां से बना होगा हो सकता है ये प्रीमियम का थोड़ा सा ऐसा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया होगा प्रीमियम पे थोड़ा सा प्रेफरेंस कैपिटल इशू किया होगा प्रीमियम पे थोड़े से डिबेंचर इशू किए होंगे प्रीमियम पे अरे मैं बोल रहा हूं ये खून है खून ये बारह लाख खून है तेरे हाथ में खून रख दिया अब बता इसमें हिंदू का खून कितना मुसलमान का खून कितना बता हिंदू का खून कितना मुसलमान का कितना बता 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 नाना पाटेकर की याद है कि नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है ना चाहे तू तो यू इशू किया, तो किया, किया हो चाहे तूने प्रीमियम यू इशू किया हो प्रेफरेंशियल इशू किया हो चाहे तूने इक्विटी इशू किया हो सिक्योरिटी प्रीमियम में एक बार वो सिक्योरिटी प्रीमियम तू कहीं से भी इशू कर कोई भी यूज कर सकता है तो जो तू सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहा है उसकी भी थोड़ी कोई गारंटी वो गारंटीचर से ना आया हो हो सकता है वो भी तो डिवेंचर से आया हो बोलो समझा क्या बोला मैंने तो इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है इंस्टीट्यूट बोल रहा है ठीक है हम डिवेंचर का पैसा यूज नहीं कर सकते पर जो अमाउंट प्रीमियम में चला गया उस प्रीमियम को यूटिलाइज तो कर सकते हैं और अगर आपको इतना ही दिक्कत है उससे तो मत करो ना मत करो आप बाकी का रेवेन्यू रिजर्व कर लो इट ड मैटर इट डजेंट मैटर पर सर फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों यूज कर रहा है इंस्टीट्यूट सोच रहा है कि जितना जल्दी हो सके प्रीमियम निपटाओ यही रीजन है कि मैंने आपको बताया था मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है प्रीमियम फर्स्ट पायोरिटी जितना जल्दी हो सके प्रीमियम निपटाओ खत्म करो ये गोल्डन रूल याद करो कहने का मतलब प्रीमियम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर यूज करना जरूरी है समझ आया तो क्रिएट सी आर आर चलिए आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व थ्री लैक्स सिक्योरिटी प्रीमियम अब सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से पहले सिक्योरिटी प्रीमियम इधर लेके आओ कितना था ट्वेल्व लैख िसमें से टेन लैख राइट ऑफ बचा टू लैख प्लस सिक्सटी थाउजेंड ऑन इशू ऑफ डिपेंचर डिपेंचर इशू किया इक्विटी इशू किया प्रेफरेंशियर इशू किया कुछ भी सब ऐड होगा अभी तो ये प्रेफरेंशियर उन्होंने प्रीमियम पे इशू नहीं किया अगर ये प्रीमियम पे इशू करते तो इसका भी सिक्योरिटी प्रीमियम एड करते थे तो कितना 260 तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2.6 पॉइंट सिक्स बाकी का पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर कितना 4.4 पॉइंट कुल मिला के टेन लैक्स जितना जल्दी हो सके सिक्योरिटी प्रीमियम को निपटाओ खत्म करो ये लॉजिक अगर सोचोगे ना तो तुम्हारा सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी जो तुम्हारे माइंड में चलता है ना कि सर पहले किसको पहले किसको पहले हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम को ठीक है बेटा बोलो अरे बोलो अरे बोलो समझ आया और क्या करना है सर बाकी आपका बोनस है चलो बोनस वर्किंग कर लेते हैं वर्किंग फॉर बोनस इशू वर्किंग फॉर बोनस इशू तो बोनस के लिए फॉर फिफ्टीन थ्री फॉलिपेट दे रहा है तो बोनस के लिए पहले नंबर ऑफ शेयर कितने फाइव फिफ्टी लाख डिवाइड बाय ट्वेंटी मतलब टू फिफ्टी टू फिफ्टी में से उसने बायबैक कितने कर लिए बायबैक कर लिया उसने सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तो रुको आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर बायबैक टू फिफ्टी नंबर माइनस बाय बैक शेयर्स सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड 187,500 एटी सेवन फाइव हंड्रेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बाय बैक बोनस शेयर्स वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड तीन देंगे पंद्रह के बदले थ्री थ्री फुली पेड फॉर एवरी फिफ्टीन थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड जहां ये माइनस किया था बाय बैक वहां बोनस एड हो जाएगा तो अब टोटल नंबर बल्कि टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नंबर हो जाएंगे और बोनस का अमाउंट कितना होगा थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी सेवन लैख फिफ्टी क्या सेवन लैख फिफ्टी का तुम्हारे पास सीआरआर पड़ा है हाँ बिल्कुल क्योंकि सीआरआर तुम दस लाख का क्रिएट कर रहे हो तो आउट ऑफ सीआरआर इशूड आउट ऑफ सीआरआर ठीक है <laughs> गलत टीचर से गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा मैं टीचर सही हूं बेटा गलत नहीं हूं तो गलत टीचर मत बोलो हाँ तुम तो ये क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो एक टीचर से ऐसा बोल सकते हो गलत टीचर नहीं हूं भाई अंशु मैं सही टीचर हूं यार चलो जी क्या पूछ रहा है सर रिक्वायर टू पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अब कर लोगे बाकी का पोर्शन सर बैलेंस शीट बनवा दो सर बैलेंस शीट बनवा लो <laughs> सर बोनस सिर्फ सीआरआर से बनता है ना फर्स्ट प्रायोरिटी सीआरआर अगर सीआरआर कम पड़ रहा है तो बाकी जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम पी एंड एल उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम को मत छोड़ना पहली फुर्सत में निपटाओ पर उससे पहले सीआरआर <laughs> बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी मैं थोड़ा सा ऑप्शन बता देता हूं कैसे होगा देखो सबसे पहले इक्विटी कैपिटल इक्विटी कैपिटल नया वाला कितना हो गया आप टू ट्वेंटी फाइव तो बीस रुपए के हिसाब से ये हो जाएगा फोर्टी फाइव लाख फिर आपका पहले से ही प्रेफरेंस कितना दिख रहा है दस लाख और नया प्रेफरेंस कितना आया ढाई लाख तो प्रेफरेंसर कैपिटल टेन प्लस टू पॉइंट फाइव ये हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व एज इट इज वन लैख सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो रेवेन्यू रिजर्व टू लैख याद करो मिनिमम बैलेंस टू लैख एल तो एल कितना था ट्वेंटी 20 में से आपने कितना क्रिएट किया फोर पॉइंट फोर फोर फोर्टी कितना 15, यहां कुछ पीएन नहीं है अच्छा इन्वेस्टमेंट बेच रहा है ना वन लाख के वन में बेच रहा है तो फिफ्टी थाउजेंड का बढ़ जाएगा पीएनडल फिफ्टी थाउजेंड का बढ़ जाएगा तो देखो क्या क्या है पीएनडल क्या क्या है एक सेकेंड ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर गया और पॉइंट फाइव आया ये हो गया सोलह दस सिक्सटीन टेन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फाइव फिफ्टी सीआरआर सीआरआर कितना बना दस लाख उसमें सेवन पॉइंट फाइव बोनस में चला गया तो कितना बचा ढाई लाख वन टू टेन फाइव फिफ्टी टू फिफ्टी या आया ट्वेंटी सेवन लैख टेन थाउजेंड हाँ सी आर आर बी फिर उसके बाद डिबेंचर पहले से ही ट्वेल्व फिफ्टी थे डिबेंचर यहां पर भी आए थ्री थाउजेंड सर मैंने बोला ना सीआरआर की कैलकुलेशन में नहीं आएगा पर डिबेंचर यूज इश्यू कर रहे हो उसकी एंट्री तो होगी ना और एंट्री के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू हंड्रेड तो थ्री लाख ,00 तो यहां ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स और नए फोर्टीन डिबेंचर्स तो पुराने कितने हैं साढ़े नए कितने तीन तो ये कितने हो गए पंद्रह पचास पंद्रह पचास ठीक है डिबेंचर चलो डिबेंचर के बाद करंट लाइबिलिटीज़ करंट से रिलेटेड पहला पॉइंट नहीं सेकंड पॉइंट नहीं थर्ड पॉइंट नहीं फोर्थ पॉइंट नहीं फिफ्थ पॉइंट नहीं तो करंट लाइबिलिटीज एज इट इज आएगा बेटा फाइव फिफ्टी आगे Tangible assets सेवेंटी फाइव थाउजेंड हंड्रेड सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है इन्वेस्टमेंट थ्री लाख अब देखो इन्वेस्टमेंट वर्थ रूपीज वन लैख फोर रुपीज वन फिफ्टी मतलब वन लाख में बेचे तो कितने के बचे टू लाख इन्वेंट्री टू लैक और कैश बैंक अब कैश बैंक की कहानी निराली है भाई कैश बैंक कैश बैंक फिफ्टीन सेवेंटी फाइव बस हो रहा है खत्म हो रहा है बच्चों कहीं मत जाना बस ये लेक्चर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है बैलेंस शीट अब देखो क्या क्या हुआ सबसे पहले तूने बाय बैक किया बायबैक तेरा कितना हुआ बायबैक हुआ ट्वेंटी टू फिफ्टी का ट्वेंटी टू फिफ्टी का बायबैक हुआ बाय बैक करने के बाद तो तेरे पास यहां यहां से पैसे आए कितने कितने आए थ्री थाउजेंड इंटू वन ट्वेंटी डिवेंचर से तेरे को आए थ्री सिक्सटी डिबेंचर विथ प्रीमियम टू फिफ्टी प्रेफरेंशियल कैपिटल इशूड ये विथ प्रीमियम इशूड फिर इन्वेस्टमेंट बेचे तूने वन फिफ्टी में वन फिफ्टी इन्वेस्टमेंट सोल्ड फिर बस और क्या चाहिए तेरे को एटी फाइव थाउजेंड का बैलेंस बच गया यहां पे तेरे पास हंड्रेड फाइव सिक्स नहीं सॉरी हंड्रेड फाइव सिक्स नहीं वन करोड़ फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड आ गया वन करोड़ पाई लैख सिक्सटी थाउजेंड हुर्रे छुहरे लूटो छुहारे लूटो छुआरे लूटो छुआरे लूटो हुर्रे छुरे लूटो ठीक है कहीं बहुत देर हो रही है फाइनल वालों के साथ मेरा है, एक छोटा सा सेशन है जूम सेशन है मैं पहले ही आधा घंटा लेट कर चुका हूं सो आई हैव टू गो श्री जी कृष्णा थैंक यू फ्रॉम भोपाल भोपाल से हूं मैं मैं भी भोपाल से हूं बेटा क्या बात कर रहा है? सेम सेम मैं भी भोपाल से हूं कोई भोपाल से तो मजा आ जाता है सुन के चलो गाइस बाय बाय थैंक यू सो मच टेक केयर लव यू ऑल ए एस टेन में मिलेंगे कल के लेक्चर में थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय हमारे साथ भी रूम सुम सेशन रखो बिल्कुल 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 रखता हूँ बाय बाय बाय